हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्तू टेक इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चिड़िया को क्यों नहीं लगता करंट, यानी व्हाई द बर्ड डजंट फील करंट। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हम रोज़ाना कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो दिखने में तो अच्छी होती है, लेकिन उनका लॉजिक क्या होता है यह हमें पता नहीं होता है। जैसे कि हाई वोल्टेज तार, यानी बिजली के तार, बिजली के हाई वोल्टेज तारों के संपर्क में अगर इंसान आ जाए तो उसे कोई बचा नहीं सकता है। बिजली के हाई वोल्टेज वाले तार इंसान को कुछ ही दूरी से अपनी ओर खींच लेते हैं। लेकिन आम तौर पर आपने देखा होगा कि चिड़ियाँ बिजली के नंगे तारों पर बड़े आराम से बैठी रहती है, लेकिन उनको कभी करंट नहीं लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चिड़ियों को करंट क्यों नहीं लगता? चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता, इसके लिए हमें सबसे पहले बिजली प्रवाह का नियम समझना होगा। दरअसल बिजली तार के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाहित होती है। बिजली उस रास्ते से ठीक तरह से प्रवाहित होती है जहां से उसे कोई अवरोध नहीं मिलता। और बिजली प्रवाह को अच्छी तरह से प्रवाहित करने के लिए तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। बताया जाता है कि चिड़िया की बॉडी में ऐसी कोशिकाएं और ऊतक होते हैं जो तांबे के तार में प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस पैदा करते हैं और बिजली के प्रवाह को अफेक्ट करते हैं। दरअसल हमारे घरों में जिन तारों से बिजली आती है वह इलेक्ट्रिक तार के माध्यम से आती है। घरों में उपयोग होने वाले बल्ब, लाइट, पंखे समेत अन्य उपकरण घरों में मौजूद अर्थिंग वायर्स के जरिए एक सर्किट के पूरा हो जाने से जलते हैं। वहीं जब चिड़िया हवा में लटके नंगे तारों पर बैठी है रहती है तो उसे करंट का झटका नहीं लगता है, क्योंकि उस समय सर्किट पूरा नहीं होता है। लेकिन अगर चिड़िया ज़मीन के संपर्क में आ जाए तो उसकी बॉडी में बिजली प्रवाहित हो जाती है, जिसके चलते उसे करंट लग सकता है। इंसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि इंसान जब ज़मीन के संपर्क में होता है तो उसे अर्थिंग मिलता है और ऐसे में उसे करंट लग जाता है। ऐसा सर्किट कंप्लीट होने की वजह से होता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।